मनोहर एक वैद्य था। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से आयुर्वेद का ज्ञान बांट रहे थे। वो अपने काम से खुश था, पर उसकी पत्नी मुक्ता, वो बहुत ही परेशान थी। क्या फायदा ऐसी विद्या का जो पैसे ही ना कमा कर दे? अरे, मेरे पूर्वज इस विद्या की बदौलत शान से जीते थे। राजा तक उनके पास खुद बीमारियां ठीक करवाने आते थे और उन्हें सोने की मोहरे देकर जाते थे। हाँ, अब तो कोई तुम्हें एक फूटी दमड़ी तक ना दे। सोने की मोहरे तो दूर की बात है। तो अब मैं क्या करूं? समय बदल गया है भाई। अब लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों के बदले अंग्रेजी दवाइयां खाने की आदत हो गई है। सच कहूं, मुझे तो समझ नहीं आता लोग अपनी सेहत के साथ इतना खिलवाड़ क्यों करते हैं। तभी उनका बेटा मयूर घर लौटा। अब जो भी है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए और कुछ अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिले और घर चले। हाँ, काम बंद कर दूं, लेकिन इसके अलावा मुझे आता ही क्या है? पिताजी, मुझे लगता है ना, हमें पानी पूरी का ठेला खोलना चाहिए। अच्छा हाँ, बनाने में तो बहुत आसान है, पर बेटा वो सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम पानी पूरी को सेहतमंद बनाए। भला पानी पूरी सेहतमंद कैसे बन सकती है? अरे, हंसने की क्या बात है इसमें? हाँ, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हम अलग अलग प्रकार की पानी पूरी बनाएंगे, जैसे नीम के पानी की, तुलसी के पानी की और हाँ, करेले के पानी की। अब ये सब सेहतमंद चीजें रहने ही दीजिए। जैसी पानी पूरी लोग पसंद करते हैं वही चाहिए। अरे अरे, पर मुक्ता, एक बार कोशिश करने में अर्जी क्या है? हैं? हो सकता है सेहतमंद पानी पूरी लोगों को पसंद आ जाए। क्यों भाई? ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, बस घर में पैसे लेकर आइएगा। पिताजी, हम ना आम पानी पूरी के साथ साथ आपकी सेहतमंद वाली पानी पूरी भी रखेंगे, ठीक है ना? जिससे ग्राहक को जैसी पानी पूरी पसंद होगी वो खा लेंगे। तू तो बहुत समझदार है बेटा। हाँ हाँ, ये ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तय रहा, तो हम कल से ही पानी पूरी का ठेला डालेंगे, ठीक है ना? दोनों बाप बेटे बाजार गए, जरूरत की सारी चीजें खरीद ली और फिर पानी पूरी की तैयारी में व्यस्त हो गए। मुक्ता रगड़ा पकाने लगी, मयूर तीखा पानी और इमली का पानी बनाने लगा और मनोहर नीम, तुलसी और करेले का पानी बनाने लगा। देर रात तक सब काम करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन सुबह बाजार में उन सब ने अपना पानी पूरी का ठेला खोला। ज्यादातर पानी पूरी के ठेलों में बस दो पानी मिलते थे, पर इनके ठेले पर पांच प्रकार के पानी थे, तीखा, इमली, नीम, तुलसी और करेले का पानी। नया पानी पूरी का ठेला देखकर दो लड़के उनके पास आए। अरे भैया, मुझे एक प्लेट तीखी पानी पूरी देना और मुझे एकदम मीडियम। हमारे पास नीम, करेला और तुलसी का भी पानी है, आपको चाहिए तो दूं? अरे नहीं नहीं भैया, वो सब नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं। ये सुनकर मनोहर का चेहरा उतर गया। मयूर ने दोनों लड़कों को पानी पूरी दे दी और उन्होंने उसे पैसे दिए। खैर, शाम को एक बूढ़े आदमी अपने पोते के साथ आए। आइए आइए चाचा जी, आप कैसी पानी पूरी खाएंगे बताइए। अरे बेटा, मुझे तो खट्टी मीठी पानी पूरी पसंद है, पर ससुरा डॉक्टर बोलता है कि पानी पूरी मेरे लिए अच्छी नहीं है। मुझे डायबिटीज है ना, तुम एक काम करो, मेरे पोते को एक तीखी पानी पूरी खिला। अरे चाचा जी, हमारे पास आपके लिए एकदम सही पानी पूरी है, करेले की पानी पूरी। हाँ, इससे आपकी डायबिटीज बढ़ने के बदले कम हो जाएगी। अरे ट्राई करके देखिए और आप ये पानी पूरी रोज खा सकते हैं। सच्ची? इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे चाचा जी, विश्वास रखिए, मैं खानदानी वैद्य हूँ, मैंने कई लोगों की बीमारियां ठीक की हैं। ये करेले का पानी है, करेले का, ये आप दो हफ्ते खाइए और फिर अपना डायबिटीज चेक करवा लेना, चाहे गारंटी देता हूँ कम होगा। अरे बेटा चल, तू बोलता है तो ठीक है, दे खिला।
मनोहर ने दादाजी को एक प्लेट करेला पानी पूरी दी। दादाजी को पानी पूरी पसंद आई, वो बड़े चाव से खाने लगे। जगन ने तीखी पानी पूरी खाई, मनोहर खुश था। उस दिन मनोहर और मयूर की अच्छी खासी कमाई हुई। इतने सारे पैसे देखकर मुक्ता खुश हो गई। उस दिन से दादा पोता रोज पानी पूरी खाने आया करते थे। दादा बड़े चाव से करेले की पानी पूरी खाया करते थे। मनोहर भी खुश था कि कम से कम एक ग्राहक तो है जो रोज करेला पानी पूरी खाता है। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए। आज दादाजी बहुत खुश होकर पानी पूरी के ठेले पर आए। अरे मनोहर, तुमने बिल्कुल सच कहा था भाई, ये करेले वाली पानी पूरी मेरी डायबिटीज की दवा है दवा। आज मैंने शुगर की जांच करवाई। अरे क्या बात है चाचा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए और 2 प्लेट लीजिए। मनोहर ने दादाजी को करेले की पानी पूरी खिलाई और उन्होंने मनोहर को आशीर्वाद दिया। अगले दिन दादाजी कई और बुजुर्ग लोगों को अपने साथ ले आए। अरे भाई मनोहर, इन्हें भी करेला पानी पूरी खिलाकर इनकी भी डायबिटीज ठीक कर दो ना। मनोहर सारे बुजुर्गों को करेला पानी पूरी खिलाने लगा। उस दिन से मनोहर की करेला पानी पूरी हिट हो गई। सुबह से शाम तक बुजुर्गों की लाइन लगी रहती। अगले दिन मनोहर ने नीम और तुलसी की पानी पूरी भी शुरू कर दी। साबरमती नदी के किनारे एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है। गांधी जी की याद में यहां के लोगों ने इस गांव का नाम गांधी नगर रखा और गांधी जी के आदर्शों पर ही पूरा गांव चलता है। हमारे गांधी नगर में आज भी ऐसा लगता है जैसे बापू अभी भी हमारे साथ में ही हैं और जरूरत पड़ने पर हमें रास्ता दिखाते हैं। सही कहा यार, तभी तो आज भी यहाँ पर लोगों के दिलों में इंसानियत बची हुई है और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो कई लोग एक साथ उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। यही तो बापू ने सिखाया था हमें कि इंसानियत को कभी भी अपने अंदर से खत्म मत होने देना। बरसात का महीना शुरू होता है और तेज बारिश होने की वजह से साबरमती नदी का पानी कई गुना बढ़ जाता है। इस साल तो जबरदस्त बारिश हो रही है, अगर यही हाल रहा तो बारिश का पानी नदी में बाढ़ भी ला सकता है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो देखा था ना कैसे जीना मुश्किल हो गया था, घर के अंदर तक पानी घुस गया था। गांधीनगर के लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ। तेज बारिश की वजह से साबरमती नदी में बाढ़ आ गई और लोगों के घर में पानी घुसने लगा। लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होने लगा। सारे रास्ते, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। देखा, जिसका डर था आखिर वही हो गया ना। अब कैसे ये बरसात का मौसम बीतेगा ये तो भगवान ही जाने। यार मेरे घर पर तो राशन भी खत्म होने वाला है। बाढ़ के पानी की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, गांव से बाहर जाना नामुमकिन सा हो गया है। गांधीनगर में बाढ़ की वजह से शहर से सारे कनेक्शन टूट गए थे। अब लोगों के पास घर के अंदर जितना राशन और बाकी खाने पीने की चीजें बची थी, धीरे धीरे सबका सामान खत्म होने लगा था। किशन यार, आज घर में बचा हुआ राशन खत्म हो चुका है, अगर तेरे घर में कुछ बचा है तो मुझे दे दे। मेरे घर का सारा सामान तो कल रात को ही खत्म हो चुका है, आज इसी वजह से हमने नाश्ता भी नहीं किया। इसी तरह से सभी लोगों की अब भूखों मरने की नौबत आ चुकी थी। ये बात पता चलने पर एक दूसरे गांव का लड़का प्रणव इस गांव में आकर पानी पूरी बेचने की सोचता है। वो लड़का एक नाव बनाकर यहाँ पानी पूरी बेचने आता है। आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो, 10 रुपए की 5 पानी पूरी मिलेगी। प्रणव की आवाज सुनकर कई लोग अपने घर की छत से उसको आवाज लगाते हैं और पानी पूरी देने के लिए कहते हैं। प्रणव सुनीता के घर के पास पानी पूरी देने जाता है, तभी पानी की एक तेज लहर आती है और उसके नाव को पलट देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। पर पानी का बहाव इतना तेज था
कि कोई चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार प्रणव बाढ़ के पानी में बहकर इस गांव से बाहर पहुंच गया और एक पेड़ पर जाकर रुका। अरे बाप रे, आज तो मैं मर ही गया था। ये लकड़ी की नाव तो मुझे पानी पूरी बेचने नहीं देगी, अब कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। प्रणव जंगल से घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के किनारे उड़ रहे बादलों पर जाती है। उसके दिमाग में विचार आता है कि वो बादलों की एक नाव बनाएगा और उस पर पानी पूरी बेचेगा, और वो बादलों के पास जाता है। क्या मैं यहाँ से कुछ बादल ले जा सकता हूँ? मुझे एक नाव की जरूरत है। हाँ, ये सारे बादल तो प्रकृति की देन है, तुम उनका प्रयोग अपने लिए कर सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने कभी भी इन बादलों का प्रयोग स्वार्थ और लालच के लिए किया तो ये उल्टा तुम्हें ही नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, मैं कभी भी इनका प्रयोग लालच के लिए नहीं करूँगा, पर अब मुझे जल्दी से कुछ बादल दे दीजिए, मुझे पानी पूरी बेचने जाना है। प्रणव पहाड़ी पर उड़ रहे कुछ बादल निकालता है और उनकी नाव बनाकर उनमें पानी पूरी भरता है और गांधी नगर के लिए निकल पड़ता है। इस बार भी तेज लहरें चल रही हैं। लहरें प्रणव की जादुई बादल की नाव से टकराती हैं, पर वो नाव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। देखा, अब मैं इस बादल में भी पानी पूरी बेच सकता हूँ, ये लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रणव फिर से पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगाता है। आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो, ताजी ताजी पानी पूरी है। प्रणव की आवाज सुनकर सुनीता अपनी छत पर जाती है और प्रणव को आवाज लगाती है। अरे भैया, कैसे हो आप? उस दिन तो आपकी नाव भी बह गई थी बाढ़ में, आज जरा ध्यान रखना। आप चिंता मत करिए बहन, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास बादलों की नाव है, इस पर तेज लहरों का भी कोई असर नहीं होता। आप बस पानी पूरी खाइए। बहुत भूख लगी है, 20 रुपए की दे दो। प्रणव 20 रुपए की पानी पूरी एक प्लेट में सुनीता को उसकी छत पर ही दे देता है और अपनी जादुई बादल की नाव लेकर दूसरे घर की तरफ निकल पड़ता है। किशन की नजर प्रणव पर पड़ती है और वो उसको आवाज देकर बुलाता है। अच्छा हुआ भाई जो तुम आ गए, कई दिन से खाना ही नहीं खाया, अब तो पानी पूरी से ही पेट भरना पड़ेगा। जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी दे दो। प्रणव एक प्लेट पानी पूरी बनाकर किशन को दे देता है और किशन भूख की वजह से जल्दी जल्दी पानी पूरी खाकर खत्म कर देता है। भाई एक प्लेट और बना दो। अब प्रणव पानी पूरी बनाने लगता है और किशन खाने लगता है। बहुत देर तक ऐसा चलता ही रहता है और कुछ देर बाद जब किशन की भूख मिट जाती है तो वो खुद ही प्रणव को रुकने के लिए कहता है। बस भाई, अब पेट भर गया, अब और मत बनाओ। कितने पैसे हुए ये बता दो। आपके 50 रुपए हो गए हैं। प्रणव दूसरे घर की तरफ चला जाता है। इसी तरह से अब प्रणव के पानी पूरी बेचने का काम बाढ़ में भी अच्छी तरह से चलने लगा था, पर कुछ समय बाद उसको लालच आ जाता है और वो पानी पूरी बहुत महंगी बेचने लगता है। भैया, एक प्लेट पानी पूरी कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। ये तो बहुत ज्यादा महंगी बेच रहे हो आप। बाढ़ आने का इतना फायदा भी मत उठाओ कि गरीब लोग भूख से मर ही जाए। तुम्हें पानी पूरी खानी है तो खाओ, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है, अब पैसे कमाने का वक्त आ चुका है। अब प्रणव अपनी मनमानी करके लोगों से पैसे वसूलने लगा। उसको किसी पर भी दया नहीं आती, चाहे कोई भूख से मर ही क्यों ना रहा हो। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, मुझे पानी पूरी खिला दे, पर मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। मैं रस्सियां बनाने का काम करती हूँ, पर बाढ़ की वजह से कोई मेरी रस्सियां नहीं खरीद रहा। पैसे नहीं है तो भूख से मर जाओ, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, भंडारा चलाने नहीं। प्रणव ने लालच के चलते बूढ़ी औरत को वहीं भूख से मरने के लिए छोड़ दिया और आगे निकल गया। वो बादल राजा की बात भूल गया था, पर तभी उसकी जादुई बादल की नाव के बादल बरसने लगे और उसकी नाव डूब गई।
ये देखकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी बनाई रस्सी उसकी तरफ फेंकी। ये लो बेटा, जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो ये लहरें तुमको बहा देंगी। प्रणव रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। अब प्रणव को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो सभी लोगों से माफी मांगता है और बाढ़ खत्म होने तक सभी लोगों को पानी पूरी खिलाकर उनकी भूख मिटाता है। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक पर छुट्टन सिंह अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता था। जो भी लाल किला घूमने आता तो सामने चांदनी चौक पर जाकर छुट्टन के गोलगप्पे जरूर खाता। आइए आइए देवी और सज्जनों, छुट्टन की दुकान पर आइए और दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। जब कोई ग्राहक छुट्टन की दुकान पर आता तो छुट्टन उसे बहुत प्यार से गोलगप्पे खिलाता। छुट्टन की दुकान अच्छी चल रही थी। एक दिन जोगिंदर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाल किला घूमने आया। जब वे लोग अपनी कार में बैठकर वापस जाने वाले थे तो जोगिंदर की पत्नी ने कहा, ए जी सुनिए, मैंने सुना है यहाँ चांदनी चौक पर छुट्टन नाम का एक गोल गप्पे वाला है। उसके गोल गप्पे बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, चलिए चलकर खाते हैं। चलो, वे सभी अपनी कार में बैठकर छुट्टन के ठेले के पास पहुँचे। भाई कितने रुपए की प्लेट है? सर मात्र 20 रुपए की प्लेट है, उसमें पूरे 10 गोलगप्पे हैं। खुद भी खाइए, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए। 4 प्लेट लगा दे। भाई मेरी प्लेट में गोलगप्पे थोड़े तीखे कर दियो। और मेरे गोलगप्पे में अंकल मीठी वाली सौंठ जरूर मिला देना। अंकल मेरे गोलगप्पे में चने ज्यादा डालना। भाई मेरे वाले सादा रखियो गोलगप्पे, और उसमें पानी भी बस। ठीक है। छुट्टन कुछ ही देर में सबके हिसाब से 4 प्लेट तैयार करके दे देता है। छुट्टन की आदत होती है कि वह अपने ग्राहकों से बातें करता रहता। छुट्टन बच्चों से पूछता है, अरे प्यारे बच्चों, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में हूँ। मैं 6th क्लास में हूँ। जोगिंदर को जहाँ भी मौका मिलता वो अपनी अमीरी का दिखावा करना शुरू कर देता। दोनों बच्चे क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। अरे साहब, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती है। ये सुनकर जोगिंदर चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है, एक गोलगप्पे वाले की बेटी इतने महंगे स्कूल में पढ़ती है। ये सुनकर उसे छुट्टन से जलन होने लगती है। भाई एक पापड़ी खिलाइयो। और मुझे थोड़ा पानी दे दे। छुट्टन जोगिंदर की वाइफ को पापड़ी खिलाता है और जब वो जोगिंदर की प्लेट में पानी दे रहा होता है तो गोलगप्पे का पानी गलती से जोगिंदर की शर्ट पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं माफी चाहता हूँ सर, गलती से पानी आपकी शर्ट पर गिर गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी शर्ट पर पानी गिरा दिया? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का मैनेजर हूँ और तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी। अब देख, मैं तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। आप कहें तो आपकी शर्ट पर गिरा पानी अभी जीभ से चाट लूं। लेकिन जोगिंदर उसकी एक नहीं सुनता और कार में बैठकर चला जाता है। उस दिन रात में जब छुट्टन अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या पड़ोस में नींबू शिकंजी का ठेला लगाने वाली बसंती नहीं आई आज? नहीं, ये बात नहीं है, बसंती ने तो आज भी मुझे शिकंजी पिलाई। छुट्टन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता न करें, वो जो भी करें ईश्वर हमारी मदद करेगा। मैं कल ही देवी मैया पर 11 का प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अगले दिन जोगिंदर अपने साले नट्टू को लेकर छुट्टन के ठेले के पास पहुँचता है। जोगिंदर नट्टू से कहता है, सुन नट्टू, तू वैसे भी बेरोजगार घूमता रहता है, मैं तुझे सारा सामान खरीद कर देता हूँ और एक ठेला भी। कल से तू भी यहीं पर गोलगप्पे का ठेला लगाना और इस छुट्टन का बिजनेस खराब कर देना। अगले दिन से नट्टू भी छुट्टन के बराबर में अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों में छुट्टन की कमाई पहले से आधी हो जाती है। छुट्टन
एक रात घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी कमाई कम होती चली जा रही है, हम अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में शिक्षा कैसे दिलवाएंगे? आप चिंता न करें, अभी एक महीना ही हुआ है, हम और मेहनत करते हैं और अपनी गोलगप्पों को और स्वादिष्ट बनाते हैं। आखिर कब तक वो नट्टू हमारे बराबर में खड़ा रहेगा? हमें अपने बिजनेस पर डटे रहना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी और उस नट्टू की नाक कटेगी। नट्टू जोगिंदर के घर जाकर सारी बात बताता है। अगर ठेले पर लोग नहीं आ रहे हैं तो हम बराबर वाली दुकान ले लेते हैं, कुर्सियां भी डलवा देंगे, लाइटें वगैरह भी लगवा देंगे और एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट को भी रख देंगे, तब तो लोग आएंगे। हाँ जीजा जी, सबसे ज्यादा जरूरत तो रिसेप्शनिस्ट की ही है, वैसे ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जोगिंदर खूब खर्चा करके छुट्टन के बराबर में खाली पड़ी दुकान किराए पर ले लेता है और उसमें खूब महंगी कुर्सियां पड़वाता है और महंगे लाइटें लगवा देता है और रिसेप्शनिस्ट को भी रख देते हैं। कुछ लोग नट्टू की दुकान पर जाते हैं लेकिन बाहर आकर कहते हैं, रिसेप्शन करने वाली तो बढ़िया है लेकिन इतने बुरे गोलगप्पे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। कई दिन बीत जाते हैं, नट्टू की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। एक दिन रात में जोगिंदर और नट्टू दोनों दुकान में बैठे होते हैं और बहुत उदास होते हैं। छुट्टन अपना काम निपटा कर दुकान पर जाता है और जोगिंदर से कहता है, भाई साहब ऐसे बदला लेकर कोई बिजनेस नहीं चलता, कोई भी काम खुश होकर और सद्भावना से शुरू किया जाए तभी उसमें सफलता मिलती है। ग्राहक तो सबसे पहले गोलगप्पे का स्वाद देखते हैं, आपने बेफालतू में अपने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए केवल मुझसे बदला लेने के लिए। तुम ठीक कहते हो भाई छुट्टन, जब मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है तो मुझे जलन हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिर तुम्हारी और मेरी बेटी में फर्क ही क्या है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। जोगिंदर दुकान बंद करके नट्टू के साथ हमेशा के लिए चला जाता है और छुट्टन का धंधा फिर से अच्छा चलने लगता है। चुन्नी लाल ने पैसा कमाने के लिए आज तक न जाने कितने काम किए, कभी चूड़ी बेची, कभी खिलौने और कभी सब्जियाँ, लेकिन हर व्यवसाय में उसे घाटा ही हुआ। अब चुन्नी लाल ने एक नया काम शुरू कर दिया। उसने गांव के स्कूल के बाहर एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ बच्चों, आओ 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 आओ, चटपटी पानी पूरी खाओ, आओ आओ आओ। स्कूल की छुट्टी होते ही सारे बच्चे उसके ठेले पर इकट्ठा हो जाते। एक प्लेट पानी पूरी मुझे। नहीं, मुझे पहले। अरे रुको रुको, सबको बारी बारी से पानी पूरी मिलेगी। चुन्नी लाल की पानी पूरी का ठेला बच्चों का रोज का ठिकाना बन गया। चुन्नी लाल भी बच्चों से मीठी बातें करके उनसे बहुत सारी बातें जान लेता। अच्छा बताओ, कल कौन कौन पानी पूरी खाएगा? मैं। ये लो रवि, एक और पानी पूरी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि आज मम्मी ने मुझे एक नई सोने की चेन दी है, ये देखो। रवि के गले में सोने की चेन देख चुन्नी लाल की आंखें बड़ी हो गईं। उस दिन उसने रवि को बहुत ज्यादा पानी पूरी खिलाई। बस भैया, मेरा पेट भर गया, कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी ये चेन दे दो, मैं तुमसे बाकी पैसे नहीं लूंगा। मासूम रवि ने
सोने की चेन उस धूर्त चुन्नी लाल को दे दी। कई दिनों तक चुन्नी लाल इसी तरह मासूम बच्चों की कीमती चीजें लेकर उन्हें बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन रवि स्कूल से सीधा घर जाने लगा तो चुन्नी लाल ने उसे रोक लिया। क्या बात है रवि, आज तुम पानी पूरी नहीं खाओगे? नहीं, मैं रोज रोज पानी पूरी नहीं खा सकता, मम्मी पैसे नहीं देगी। पैसे की क्या जल्दी है, पैसे मुझे कल दे देना। सच? चुन्नी लाल की बातों में आकर रवि फिर पानी पूरी खाने लगा। वैसे अगर मम्मी पैसे नहीं देती है तो तुम पैसे चुरा लो। चुन्नी लाल की भड़काऊ बातें नन्हे रवि के मन में बैठ गई। अगले दिन रवि अपने घर में रखे रुपए चुराने लगा तो उसकी मम्मी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। रवि, तुम पैसे क्यों चुरा रहे हो? मम्मी, मुझसे पानी पूरी वाले भैया ने कहा था कि मम्मी पैसे ना दे तो चुरा लेना। और तुम्हारी सोने की चेन कहाँ है? वो चेन तो मैंने पानी पूरी वाले भैया को दे दी। बेटा, तुम्हें पता है चोरी करना बुरी बात है। रवि की बात सुन उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। अगले दिन स्कूल से छूटकर रवि जब पानी पूरी खाने गया तो चुन्नी लाल ने हमेशा की तरह उसे पानी पूरी खाने को कहा। ये लो एक और पानी पूरी। और बताओ रवि, तुमने पैसे चुराए? हाँ भैया, ये देखो 2000। वाह वाह, बहुत अच्छे। कल जब तुम्हारी मम्मी और पैसे रखे तो वो भी ले लेना, इससे तुम बहुत सारी पानी पूरी खा सकते हो। चुन्नी लाल ने जैसे ही वो पैसे लिए, महिमा वहाँ आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तू है वो धुर्त पानी पूरी वाला जिसने मेरे रवि की सोने की चेन ले ली और उसे पैसे चोरी करने को कहा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे और सोने की चेन, इन्हें वापस ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा और आज के बाद कभी फिर ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें पुलिस में भेजना ही सही सजा है, ताकि तुम किसी और बच्चे के साथ ये धुर्त हरकत ना कर सको। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली ये कि चालाक और धुर्त इंसान को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है, और दूसरी ये कि हमें अपने बच्चों को धुर्त लोगों से बचाने के लिए उन्हें सही गलत का फर्क समझाना चाहिए।